किसान साथियों नमस्कार, मैं विजय विश्वकर्मा, तहसील पुसद, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र। पिछले 4 वर्षों से गो आधारित खेती की शुरुआत मैंने की है। हम देखते हैं कि हमारे खेती में जो जहर, रासायनिक जहर जो घुल गया है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो शुद्ध अन्न की ज़रूरत है, इसी उद्देश्य को साथ सामने रखते हुए हमने एक छोटी सी खेती में गो आधारित खेती की शुरुआत पिछले 4 सालों पहले की। और सिर्फ जीवामृत, घन जीवामृत और दशपर्णी अर्क, बस ये 3 ही गो माता के आशीर्वाद से, जो गोबर और गौमूत्र से हमें ये 2-3 चीज़ें जो प्राप्त होती है, इसी के भरोसे मैंने 4 सालों से ये खेती कर रहा हूँ। और ये देखा है कि मैंने 4 सालों में दशपर्णी अर्क की वजह से मेरे खेत में किसी भी प्रकार का कोई आली का प्रकोप और किसी कीटकों का प्रकोप नहीं हुआ। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो रासायनिक खेती करने वालों के समकक्ष किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन भी मुझे कम नहीं मिला। और तुअर हो, अरहर हो, चना हो, सोयाबीन हो, हर प्रकार की फसल मैंने मेरे खेत में अलग अलग सालों में बदल बदल करते हुए ली है। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि एक गाय 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो गोबर एक दिन में देती है। अगर इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो 300 लीटर गोमूत्र और 300 किलो गोबर हमें एक महीने में मिल सकता है। और इसी अंदाज से अगर देखेंगे हम तो 5 से 10 एकड़ तक की भूमि हम एक गाय से अच्छी तरीके से गो आधारित खेती कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो बड़े किसान हैं जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन है, उन्होंने कहीं तो भी एक छोटी सी शुरुआत गो आधारित खेती, एक गाय से भी हम, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें पूरी गौशाला बनाकर खेती करने की ज़रूरत है। हम एक गाय से भी 5 से 10 एकड़ की खेती, वैसा तो लोग कहते हैं कि एक गाय से 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि एक गाय से हम 5 से 10 एकड़ की खेती बड़े आराम से, और कोई ज़्यादा उत्पाद बनाने की ज़रूरत नहीं। गाय के सिर्फ गोमूत्र और गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत और आसपास की पत्तियों से अगर हम दशपर्णी अर्क, हमारे महाराष्ट्र में दशपर्णी अर्क बोलते हैं और अलग अलग राज्यों में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो दशपर्णी अर्क ये 2-3 सिर्फ गाय के जो उपलब्ध गोबर और गोमूत्र से हम औषधि बनाकर बहुत ही अच्छी तरीके से गो आधारित खेती कर सकते हैं। उत्पादन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे आसपास जो रासायनिक खेती वाले हैं उनसे भी ज़्यादा और अच्छी फसल मैंने, मेरे 3-4 सालों के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं कोई खानदानी किसान नहीं हूँ, 30-35 साल तक मैं अध्यापक की नौकरी की थी, अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और 4 सालों का मेरा अनुभव बहुत ही एक अच्छा अनुभव है। और सबसे बड़ी बात मुझे समाधान है कि ये सब करते हुए गो माता की सेवा भी मेरे हाथ से हो रही है। और ये गो माता का आशीर्वाद है कि ये बिल्कुल गलत सोच है कि रासायनिक खाद के सिवा खेती नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ कि गौ माता के सिवा, गोबर की खाद और गोमूत्र के सिवा खेती करना, यानी हमारी इस मातृभूमि के साथ में कहीं तो भी बेईमानी करना है। मुझे सबसे विनती है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ और ना ही मैं कोई खानदानी किसान हूँ, लेकिन मेरा अनुभव 4 साल का गौ माता के सानिध्य में रहकर निश्चित तौर पर खेती करने का एक बहुत आनंद है। उनका आशीर्वाद, गौ माता का जो मिला है मुझे, अंधश्रद्धा बोलकर नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि छप्पड़ फाड़ कर मुझे गौ माता ने खेती में तो दिया है, लेकिन खेती के अलावा भी जो हमारे काम धंधा चलते हैं उसमें भी गौ माता का आशीर्वाद मिला है। तो सभी भाइयों और बहनों से, किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शुरुआत करें, गौ माता के सानिध्य में खेती की शुरुआत करें, गोबर और गौमूत्र से खेती की शुरुआत करें।
और पहले अपने घर के लिए जहर मुक्त अन्न का उत्पादन करिए और फिर अपने आस पड़ोस के दोस्तों के लिए और धीरे धीरे हम पूरे समाज के लिए जहर मुक्त अन्न का उत्पादन कर इस समाज को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।